झारखंड के चांडिल क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों लोग पिछले 40 वर्षों से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। चांडिल क्षेत्र के लोग अपनी बढ़ती परेशानी को देखते हुए सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र कर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लोगों ने कहा कि चांडिल डैम की जब शुरुआत हुई थी तो 116 गांवों की ज़मीन ली गई थी और यह आश्वासन दिया गया था कि सभी ग्रामीणों को जमीन का उचित मुआवजा मिलेगा, लेकिन 40 साल हो जाने के बावजूद भी अब तक लोग अपने मुआवजे के लिए भटक रहे हैं और ना ही उन्हें पुनर्वास की राशि मिली है। हम लोग चांडिल डैम का विस्थापित जो जमीन सही मुआवजा नहीं मिला है और नकली का वादा किया गया था, नकली भी नहीं दिया गया है। इसके लिए पैदल यात्रा करके आज हम लोग 1 तारीख से निकले हैं दोपहर 12 बजे। आज दिन हम मतलब तीन आज 3 तारीख हो गया, लेकिन 3 दिन का पैदल यात्रा था। राजभवन में आए हुए हैं और राजभवन में जितना सारा महिला बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं, 1 दिवसीय ये हो धरना है और बैठका होगा कि क्या है क्या नहीं, हम लोग को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, और हम नहीं तो नहीं दिया जाएगा तो पानी हम लोग जमीन हम लोग को वापस कर दीजिए। मांग यही है कि मतलब सही विस्थापन और पुनर्वास नीति के तहत हमें रोजगार का अवसर मिले, मतलब नौकरी का अवसर मिले, हमें नियोजन का अवसर मिले। यहाँ तक कि विस्थापित एरिया का जितना 116 गांव और 84 मौजा का जो डूबा के जिस पानी को यूज करके टाटा स्टील को पानी दिया जा रहा है, उससे हर महीना 8-8 करोड़ रुपया चांडिल डैम सोना रेखा प्रोजेक्ट को मिलता है, सरकार को मिलता है, उससे राजस्व मिलता है, लेकिन उस राजस्व का क्या किया जा रहा है? वीरेंद्र राम जैसे अफसर अपना लड़का के लिए 35,000 का टी शर्ट लेके वो देता है उसको, जिस जल जंगल और जमीन का बात करते हुए ये झारखंड सरकार बनी है, ये माँ माटी मानुष का, ये माटी का सरकार बना है, उससे तो कम से कम हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जिस विस्थापितों को पानी में डुबा कर अगर मतलब आप लोग टाटा कंपनी चला रहे हैं तो उस कंपनी में भी कम से कम इन लोग को रोजगार मिले। घर में पानी घुस गया है, हम लोग आज 1 हफ्ता से पोजोक डल के रह के आए हैं, हम लोग का घर में पानी घुस गया है, हम लोग क्या करेगा, हम लोग का बाल बच्चा भूखा मर रहा है, घर घर एक तो लड़का मरता है, ना तो नौकरी, ना तो हम लोग को पैसा दीजिए, हम लोग क्या करेगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ना हम लोग का पुनर्वास घर दिया है ना कुछ दिया है। देखने वाली बात होगी कि पिछले 4 दशक से भटक रहे लोगों को कब तक न्याय मिलता है या फिर चांडिल क्षेत्र के लोगों को और भी इंतजार करना पड़ेगा। रांची से ईटीवी भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट।